वेलकम एवरीवन एंड टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट एमसीक्यू क्वेश्चंस फॉर द एंट्रेंस एग्जाम्स प्रिपरेशन एंड टुडे वी हैव टेकन पीबी मोहंती बुक एंड नाउ वी विल अंडरस्टैंड वन बाय वन क्वेश्चंस ऑफ द टॉपिक एक्सरसाइज थेरेपी. तो एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस को समझने वाले हैं. सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन वन की. The effect of two non-linear systems acting at a common point can be determined by finding out their resultant, which can be determined by. इसमें कह रहा है कि एक पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है जिस पे इधर से भी फोर्स लग रहा है. टू नॉन लीनियर फोर्सेज है. नॉन लीनियर मीन्स कि सेम डायरेक्शन में नहीं है अब, ठीक है. तो दो फोर्सेज लग रहे हैं एक डायरेक्शन में एंड उसका कह रहा है कि हम उसका रिजल्टेंट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. तो हम कैसे निकालेंगे? तो हम उसका रिजल्टेंट एक बीच में से खींचेंगे लाइन एंड एक पैरोग्राम बना देंगे. तो उससे हम उसका रिजल्टेंट बना सकते हैं, राइट? सो आंसर इज सी, लॉ ऑफ पैरोग्राम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40 केजी ट्रैक्शन फोर्स इज अप्लाइड टू द पार्ट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री. एक पार्ट है उस पे 30 डिग्री पे ट्रैक्शन फोर्स लग रहा है. ओके, एंड व्हाट विल बी द इफेक्टिव डिस्ट्रक्टिव फोर्स एट द जॉइंट. यहाँ पे लग रहा है 30 डिग्री पे 40 केजी का ट्रैक्शन फोर्स लग रहा है इधर. ओके, इधर 40 केजी का ट्रैक्शन फोर्स लग रहा है. तो हमें निकालना है इफेक्टिव डिस्ट्रक्टिव फोर्स निकालना है. सो यहाँ पे एक फॉर्मूला है इफेक्ट डिस्ट्रक्टिव फोर्स का, दैट इज ट्रैक्शन फोर्स इनटू कॉस थीटा. ओके, सो ट्रैक्शन फोर्स है हमारा 40 केजी एंड हमारा कॉस 30 है. ओके, कॉस 30 डिग्रीज. तो हमें पता है कि 40 इंटू कॉस 30 की वैल्यू हम पुट करेंगे रूट 3/2. तो आंसर आएगा 34.6 समथिंग. इसको हम जब राउंड ऑफ करेंगे तो आंसर आएगा 35 केजी. ओके, समझ आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रिक्शन इज द रेसिस्टिव फोर्स विच ऑफर्ड बाय द सरफेस. फ्रिक्शन सबको पता है कि जब भी दो सर्फेसेस जो हैं वो आपस में अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो फ्रिक्शन का फोर्स को जनरेट करते हैं व्हेन वन सर्फेस मूव्स ओवर अदर. या ओके, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ द सर्फेस इन कॉन्टैक्ट, नेचर ऑफ द सर्फेस, वेट ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट एंड ऑल ऑफ द अबव. तो वो सभी के ही प्रोपोर्शनल है, एरिया के भी है, नेचर ऑफ द सर्फेस के भी है और कितना वेट है उस मूविंग ऑब्जेक्ट का उसके भी है. तो इसमें आएगा ऑल ऑफ द अबव. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलीज आर यूज टू. पुलीज किस लिए यूज़ करते हैं? ताकि काम इजी हो जाए, ठीक है. हम उसके जो डायरेक्शन है मोशन का उसको हम चेंज कर सकें, मैकेनिकल एफिशिएंसी ला सकें, मीन्स कि हमें ज़्यादा एफर्ट ना लगाना पड़े उस काम को करने के लिए. सो ऑल ऑफ द अबव, द आंसर इज डी. नेक्स्ट इज इन अ पुली मैक्सिमम रेजिस्टेंस फोर्स इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द एंगल ऑफ पुली इज. तो सबसे ज़्यादा फोर्स तब प्रोड्यूस होता है जब कोई भी चीज़ उस चीज़ के परपेंडिकुलर हो, तब हमें सबसे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है. तो दैट इज 90 डिग्री टू द मूविंग बोन. ओके, सो क्वेश्चन 6, डैश ऑर्डर लीवर इज द लीवर ऑफ स्पीड. सो हमें पता है कि जो थर्ड ऑर्डर लीवर है उसमें जो हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है ताकि हम उसको वो काम कर सके. तो बहुत ज़्यादा हमें एफर्ट ना लगाना पड़े तो इसलिए हम क्या करते हैं उसकी स्पीड बढ़ा देते हैं. स्पीड बढ़ा देंगे तो हमें उतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा और वर्क ईजीली हो जाएगा, ठीक है. सो आंसर इज सी, थर्ड ऑर्डर लीवर. नी फ्लेक्शन इन प्रोन लाइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ. सो नी फ्लेक्शन इन प्रोन लाइन. सो सपोज दिस इज अ पर्सन. आई एम नॉट दैट गुड विद दैट डायग्राम्स. प्लीज
excuse me. Okay, so this is knee and this is the leg, whole leg. So the person ko kya karna hai, person ko knee flexion karna hai, knee flexion karna hai, theek hai, knee flexion. To yahan pe hamstring muscles hain, hamstring muscles effect effort ho gayi idhar effort. ओके एंड इधर हो गया ना ये आपका नी जॉइंट इज़ फल्क्रम क्योंकि उसके अलोंग मूव कर रहे हैं, ठीक है. एंड जो वेट है वो हो गया आपका फुट. ओके वेट इज़ फुट क्योंकि फुट को मूव कर रहे हैं अगेंस्ट ग्रेविटी उसमें, तो वहाँ पे आ गया वेट. तो ये हो गया आपका थर्ड ऑर्डर लीवर जहाँ पे वेट एंड जो फलक्रम है उसका आर्म ज़्यादा है एंड एफर्ट एंड फलक्रम के बीच का आर्म एफर्ट आर्म जो है वो कम है. सो इट्स अ थर्ड ऑर्डर लीवर. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड ऑर्डर लीवर इज द लीवर ऑफ एफिशिएंसी. द लीवर ऑफ मैकेनिकल एफिशिएंसी इज द सेकंड ऑर्डर लीवर, वी ऑल नो दैट, क्योंकि उसमें हमें जो है एफर्ट है वो बहुत कम लगाना पड़ता है और हमारा काम हो जाता है. स्टैंडिंग ऑन टोज एन एग्जांपल ऑफ डैश ऑर्डर लीवर. सो क्वेश्चन 9 के लिए हम करते हैं. सो ओके सो सपोज दिस इज कैल्केनियम एंड दीज आर द मेटा टासल्स. दिस इज टासल, दिस इज कैल्केनियम, नेविकुलर क्यूनिफॉर्म्स. ओके ओके सो ये आपकी गैस्ट्रोनीमियस, ठीक है. इधर हो गया इंसर्ट टी ए एंड जो आपका एफर्ट आ गया इधर, राइट, ये आपका फल्क्रम है, कैल्केनियम एफर्ट आ गया और वेट आपका कहीं यहाँ पे होता है. ओके सो अगर हम देखें तो फल्क्रम इधर आ गया आपका एफर्ट, इंसर्शन जहाँ हो रहा है गैस्ट्रोकैल्केनियस का, एंड जो वेट है आपका टार्सल्स के पास आता है, सेकेंड थर्ड टार्सल्स. सो ये हो गया आपका, क्योंकि इसमें जो वेट आर्म है वो बड़ी है एफर्ट आर्म से, सो इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ थर्ड ऑर्डर लीवर. ओके सो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं. सो क्वेश्चन 10 इज, इन अवर बॉडी मोर नंबर ऑफ डैश ऑर्डर लीवर्स आर प्रेजेंट. सो इन अवर बॉडी मैक्सिमम नंबर्स आर ऑफ थर्ड ऑर्डर लीवर्स विच आर प्रेजेंट. सो आंसर इज सी, थर्ड ऑर्डर लीवर. ओके ओके बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा. टिल देन टेक केयर, बाय एंड प्रिपेयर गुड फॉर योर एंट्रेंस.